हेलो एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हमने डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, ठीक है, किस तरीके से स्पीड एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे हमने आर्मेचर करंट वर्सेस स्पीड देखा था, है ना, वोल्टेज एंड स्पीड का, एंड लास्टली मैकेनिकल में हमने स्पीड एंड टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया था। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डीसी सीरीज मोटर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ठीक है। तो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको डीसी सीरीज मोटर का स्टडी करना है। तो डीसी सीरीज मोटर का हमने सर्किट डायग्राम बनाया था, ठीक है, जिसमें आपका फील्ड वाइंडिंग जो होता है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग आपका आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये आपका आर्मेचर हो गया, तो ये सीरीज़ में आपका कनेक्टेड होता है। दैट मींस कि आपका जो सप्लाई करंट होता है, लोड करंट हो गया, फील्ड करंट हो गया, आर्मेचर करंट, तीनों करंट आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पर आपको सीरीज़ में कनेक्शन है, ये आप इनपुट देते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सीरीज़ मोटर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेकिंग क्या होता है मोटर के केस में, ठीक है। तो ब्रेकिंग कहने का मतलब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो रोटर जो रोटेट कर रहा है, मोटर का जो रोटर होगा, रोटेटिंग पार्ट, ये कंटिन्यूस आपका वर्क कर रहा है, ठीक है, तो रोटेट कर रहा है ड्राइव के साथ जो कपल किया हुआ है, एंड आपका ड्राइव जो भी सिस्टम या मशीन है वो वर्क कर रहा है। तो अभी आपको अगर अपने ड्राइव या फिर सिस्टम को या मशीन को स्टॉप करना है, तो आपको उससे कनेक्टेड मोटर को ऑफ करना होगा, ब्रेक लगाना होगा, ठीक है। तो हमारे पास मैकेनिकल ब्रेकिंग होता है, जहाँ पर हम जिस तरीके से व्हीकल, सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको रुकना होता है, ठीक है, ब्रेक लगाना होता है, तो आप लोग मैकेनिकल ब्रेक जो उसमें रहता है आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर जैसे अगर हम लोग मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक जहाँ पर हम लोग जिस तरीके से व्हीकल में आपका प्रोविज़न होता है, लाइक दैट हम लोग मोटर में यहाँ पर मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे इसको रोकने के लिए। एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल में ब्रेकिंग, ठीक है, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकली इसमें ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यहाँ पर क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो ब्रेकिंग दैट मीन्स कि मोटर के जो मोटर का रोटेशन को हमको स्टॉप करना है, ठीक है। तो हमारे पास तीन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के कैटेगरी में आपका आता है, ठीक है, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, ठीक है, जिसे हम डायनेमिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। सेकंड वन इज़ प्लगिंग, ठीक है, प्लगिंग मेथड से आप इसको ब्रेक लगा सकते हैं इसमें। एंड थर्ड वन इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। तो हमारे पास तीन ब्रेकिंग आता है, रियोस्टैटिक जिसे हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग भी कहते हैं, सेकंड वन इज़ प्लगिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में अगर हम देखें तो इसमें यह डायनेमिक ब्रेकिंग, ठीक है, जिसमें आपका मोटर का जो रोटर होगा, ठीक है, ये हमारा डीसी सीरीज मोटर का इस तरीके का कनेक्शन होगा, इसे हम सप्लाई देंगे, ठीक है, प्लस माइनस, ये आपका मोटर है या आर्मेचर है, ठीक है, ये आपका रोटेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, रियोस्टेट ब्रेकिंग में हम जनरली जब हमें ब्रेक लगाना होगा, इस कंडीशन में ये वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, जब हमें ब्रेक लगाना होता है तो हम इस मोटर को सप्लाई के साथ डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड मोटर का जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर की को हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इनिशियली आप जब मोटर को ऑपरेट करा रहे हैं तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके का होगा, एंड जब हमको ब्रेक लगाना है तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फील्ड वाइंडिंग एज इट इज़ रहेगा सप्लाई के साथ कनेक्टेड, ठीक है, ये आपका सीरीज वाइंडिंग कनेक्टेड है। बट जो हमारा मोटर होगा, मोटर को हमें क्या करना है, रोटेटिंग पार्ट को, रोटर को या आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई से हमें डिस्कनेक्ट कर देना है, एंड इसके सीरीज में हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सर्किट आपका ब्रेकिंग के सिचुएशन में आपका बनेगा। जब हमें ब्रेक अप्लाई करना है तो हमें हमारा जो
रोटर, ठीक है, रोटर को यहाँ पर सप्लाई से कनेक्ट किया गया था। सप्लाई हम सबसे पहले डिसकनेक्ट करेंगे एंड जो रोटर होगा रोटर को हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें ब्रेक लगाना है, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो टॉर्क अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव टॉर्क अगर आपका लग रहा है तो आपका करंट फ्लो होना शुरू करेगा, यानी मोटर रोटेट करेगा तो करंट फ्लो होना शुरू करेगा, ठीक है। तो प्लस पॉजिटिव टॉर्क के केस में आपको पॉजिटिव करंट फ्लो होगा, ठीक है, यानी कि मोटर को वो जिस तरीके से आपने कनेक्शन किया है नेम प्लेट में, जिस तरीके से डिफाइंड है उस रोटेशन में, उस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव करंट के कारण रोटेशन होगा। सपोज आपके मोटर के नेम प्लेट में पॉजिटिव करंट के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन। अब जब आपको ब्रेक लगाना है दैट मींस कि आपको आपने जितना फोर्स या जितना टॉर्क इनिशियली अप्लाई किया था आप उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का टॉर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आप अपने मोटर को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का यानी कि नेगेटिव टॉर्क हमें अप्लाई करना है, ठीक है, एंड नेगेटिव टॉर्क जैसे ही हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, एंड रिवर्स करंट जब होगा तो ये ठीक है जो आपका आपने इनिशियली प्लस टॉर्क लगाया था पॉजिटिव टॉर्क एंड फिर जब ब्रेक लगाने के कंडीशन में हमने नेगेटिव टॉर्क लगाया तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, टॉर्क का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, एंड टॉर्क जब ज़ीरो हो जाएगा तो मोटर आपका फाइनली स्टॉप हो जाएगा। तो सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग या रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, इस तरीके से सर्किट को कनेक्ट कर लिया है जहाँ पर हम आर्मेचर को या फिर रोटर को हम एक सीरीज रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने नेगेटिव टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है, यानी कि सप्लाई हमने क्या कर दिया, सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दिया है रोटर को, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो रोटर होगा, ठीक है, यहाँ पर बैक EMF आएगा, ठीक है, और जब तक यहाँ पर बैक EMF, ये आपका एक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो जब तक यहाँ पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये आपका क्लोज सर्किट दिख रहा है, तो यहाँ से करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि EB का वैल्यू अभी यहाँ पर कुछ है, ठीक है, बैक EMF आपके आर्मेचर में अभी तक प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये क्लोज पाथ मिला तो ये क्या करेगा, बैक EMF इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका जो रेजिस्टेंस होता है ये पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर EB के वजह से करंट जो फ्लो होगा, तो पहले करंट इस डायरेक्शन में अगर आ रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम ले रहे थे आपका सप्लाई से आर्मेचर की तरफ करंट ड्रॉ हो रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस ब्रेकिंग कंडीशन में आएंगे तो ये क्या करेगा, जो आपका रोटर है या आर्मेचर वाइंडिंग है ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करा देगा क्योंकि हमने सप्लाई हटा दिया है, नेगेटिव टॉर्क यहाँ पर आ गया है, ठीक है, एंड नेगेटिव टॉर्क की वजह से करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले करंट का डायरेक्शन आर्मेचर की तरफ था, अब ये आर्मेचर से, ठीक है, आर्मेचर से निकल कर दूसरे डायरेक्शन में ये फ्लो होगा करंट, तो ये करंट आपका फ्लो होगा और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये फ्लो होगा, ठीक है। तो ये तब तक इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो होता रहेगा जब तक कि ये इस EB का वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है, आर्मेचर के अक्रॉस EB का वैल्यू ज़ीरो हो जाए तब तक ये करंट आपका रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होता रहेगा। एंड ये रेजिस्टेंस क्या है, पावर कंज्यूमिंग एलिमेंट है, ठीक है, ये पावर को कंज्यूम करता रहेगा जब तक कि आपका कंप्लीट पावर ज़ीरो नहीं हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस आपका पावर एब्जॉर्ब करता रहेगा और जैसे ही पावर यहाँ पर इस क्लोज सर्किट में आपका ज़ीरो पावर हो जाएगा तो मोटर फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि बैक EMF का वैल्यू, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं रहेगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो इसके वजह से करंट का वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा एंड करंट का वैल्यू जैसे ही ज़ीरो होगा तो आपका जो रोटर है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, एंड इस तरीके से आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका आपने इलेक्ट्रिक मेथड से आपने यहाँ पर रियोस्टेटिक ब्रेकिंग यूज़ कर लिया है, ठीक है, दैट मीन्स कि हम एक रियोस्टेट लगा देंगे मोटर के सीरीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप पिछला लेक्चर अगर देखे होगे तो यहाँ पर आपको हमारा जो टॉर्क वर्सेस स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स था वो इस तरीके से बना था, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो स्पीड होता है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के स्क्वायर का, ठीक है।
तो यहाँ से आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम जब ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगा रहे हैं तो हम नेगेटिव टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट आपका सिस्टम में इस तरीके का ऑटोमेटिकली अकर हो जा रहा है जब हम सप्लाई को रिमूव कर रहे हैं। तो ये आपका नेगेटिव टॉर्क, तो ये नेगेटिव एक्सिस में आपका बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो स्पीड होता है, स्पीड आपने देखा होगा फॉर्मूले से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फाई होता है, ठीक है। एंड फाई जो, एंड आपका जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए के, ठीक है। एंड फाई एंड आई ए भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से फाई जो है या फिर आई जो है वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि स्पीड जो होगा ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टॉर्क होगा, ठीक है, या टॉर्क का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर फाई एंड आई ए है। तो फाई एंड आई ए अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो हम इसको आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड होगा वो भी टॉर्क के स्क्वायर के साथ रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से बनेगा। जैसे जैसे टॉर्क का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्पीड आपका डिक्रीज होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के केस में आपको रियोस्टेटिक ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। सेकेंड मेथड है ब्रेकिंग का, दैट इज़ प्लगिंग, ठीक है। तो प्लगिंग में क्या किया जाता है कि जो आपका मोटर है, ठीक है, मोटर के आर्मेचर को रिवर्स कर दिया जाता है सप्लाई के साथ, एज वेल एज एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है आर्मेचर के सीरीज में, ठीक है। तो पिछले केस में यानी कि रियोस्टेटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में हमने डायरेक्टली जो रोटर से सप्लाई था हमने उसको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया था, बट यहाँ पर क्या करना है, सप्लाई का कनेक्शन रिवर्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्किट किस तरीके का बनेगा, ये आपका सीरीज वाइंडिंग शंट वाइंडिंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से पहले मोटर था, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कनेक्शन था इनिशियली जब ये मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर रहा होगा। बट जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये आपका सीरीज शंट, यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। आपका जो मोटर होगा, मोटर का जो रोटर है, ठीक है, इसको क्या करना है, ये आपका इस पोजीशन में था, सपोज A2 को आपने पॉजिटिव दिया था, A1 को आपने नेगेटिव दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव रहने देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव आपका पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट था, ठीक है, एंड नेगेटिव आपका नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके टर्मिनल को रिवर्स करना है। तो हम नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा और ये आपका नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव सप्लाई का टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द आर्मेचर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका चेंजिंग करेंगे, एज वेल एज आपको आर्मेचर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन कर दिया है सप्लाई के साथ मोटर के आर्मेचर का, तो करंट का वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपका करंट A2 में एंटर कर रहा था, ठीक है, बट यहाँ पर ये A2 से क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। ये आपका A2 है, ये आपका A1 है, ठीक है। यहाँ पर A2 से एंटर कर रहा था करंट, अब यहाँ A2 में ये लीव करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि मोटर के आर्मेचर में जो करंट फ्लो कर रहा था इसका वैल्यू अब रिवर्स हो गया, ठीक है। पहले IA कर रहा था, अब ये नेगेटिव ऑफ IA हो गया। तो जैसे ही करंट का वैल्यू नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव टॉर्क, इनिशियली आपने पॉजिटिव टॉर्क दिया था, एंड ब्रेकिंग के टर्म में ये नेगेटिव टॉर्क इसमें लग गया, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉर्क दोनों कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, एंड फाइनली टॉर्क जैसे ही आपका ज़ीरो के इक्वल में आएगा, ठीक है, ज़ीरो के नियर जैसे ही आपका टॉर्क पहुँचेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई कर देना है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमें इसे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इस प्लगिंग मेथड में हमें इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग करने के लिए मैकेनिकल का भी यहाँ पर हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लस मैकेनिकल दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर हम मैकेनिकल ब्रेक, जैसे ही टी ज़ीरो के नियर पहुँचता है, तो यहाँ पर अगर हम मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में फ़्लो हो ही रहा है, तो मोटर का रोटेशन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो स्टार्टिंग अगर क्लॉकवाइज कर रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही टॉर्क आपका ज़ीरो के नज़दीक पहुँचेगा, यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लगिंग मेथड में ब्रेकिंग मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सेम हम लोग रिलेशन से यहाँ पर ये आपका इस क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें नेगेटिव TA के लिए बनाना है। ये आपका नॉर्मल कंडीशन में जब मोटरिंग मोड में ऑपरेट हो रहा होगा तब के लिए है, एंड ये वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा जब आपने नेगेटिव टॉर्क अप्लाई किया, यानी कि मोटर का करंट, मोटर का जो डायरेक्शन था वो हमने रिवर्स कर दिया, या सप्लाई रिवर्स कर दिया, या करंट को रिवर्स किया है, तब इस तरीके का आपको आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो मोटर स्टॉप होता है, ठीक है, तो ये इंटेंशनली ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो अनइंटेंशनल ब्रेक होता है यहाँ पर, जिसे हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। लाइक अगर आप लोग एक सपोज ट्रेन ले लें, ठीक है, जहाँ पर ये कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तक जब तक ट्रेन, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब ट्रेन जारी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मोटर में ज़्यादा फोर्स लगेगा, टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टॉर्क ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बैक EMF आपके मोटर में है, वो अभी आपके सप्लाई के वोल्टेज जो हमने मोटर में सप्लाई दिया हुआ है उससे वैल्यू लेस देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कम होगा एंड ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा होगा, ठीक है। फिर जैसे ही ये यहाँ पर, ठीक है, आपका जो ट्रेन है वो इस पोजीशन में सपोज आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन आपका जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पीड क्या हो गया, ऑटोमेटिक मोटर का जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड से ऑटोमेटिक वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये रेटेड स्पीड से कम स्पीड में मोटर का रोटेशन है, रोटर का स्पीड, ठीक है। बट इस केस में क्या हो गया कि ढलान है आपका, तो यहाँ पर मोटर का जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड से कहीं ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दैट मींस कि यहाँ पर जो बैक EMF होगा मोटर के अक्रॉस, ये ज़्यादा हो जाएगा आपके सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। तो जैसे ही बैक EMF ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज से, तो इस केस में, ठीक है, इतने टाइम इंस्टेंट के लिए जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एंड EB इज़ ग्रेटर देन V है, तो ये क्या होगा कि ये मोटर को, मोटर का जो बैक EMF जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा हो गया सप्लाई वोल्टेज से, तो हमेशा जो वोल्टेज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट पहले सप्लाई से आपके मोटर की तरफ आ रहा था, अभी क्या होगा कि बैक EMF ज़्यादा है तो ये मोटर से सप्लाई को की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाता है, यानी कि मोटर अब क्या करना, पावर डिलीवर करना शुरू कर दिया है सोर्स को, या फिर आपने जो सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जब कोई भी मशीन जब पावर डिलीवर करता है तो उसको हम लोग एज अ सोर्स बोलते हैं या जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मोटर होगा वो एज अ जनरेटर बिहेव करने लगेगा फॉर, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो ये आपका इंटेंशनल ब्रेक नहीं होता है, बट ये यहाँ पर क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। और ये तब तक पावर डिलीवर करता रहेगा, तब तक जनरेटर की तरह बिहेव करता रहेगा, जब तक कि अगेन आपका EB इज़ इक्वल टू V के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही आपका बैक EMF एंड सप्लाई वोल्टेज इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये मोटर आपका स्टॉप कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग अगर आपका मोटर रनिंग कंडीशन में है तो हम ब्रेक अप्लाई करके मोटर को स्टॉप कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इन डीसी सीरीज मोटर.